नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद लगाकर बैठी थी वो उम्मीद अब टूट चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को सभी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गहरा झटका दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। इससे पहले फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमें दो निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश ये कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस यूनिट को सील किया जाए। दूसरा ये कि सिंबल स्टोर यूनिट को कम से कम 45 दिन के लिए रखा जाए। वीवीपैट स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकतंत्र समन्वय बनाए रखने के लिए होता है और आंख मूंद कर चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा न करने से बिना कारण शक पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वेरिफिकेशन के दौर ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है तो चुनाव आयोग उम्मीदवारों को उनकी फीस लौटाएगा। चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल के वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार चुनाव आयोग से गुजारिश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक तय फीस देनी होगी। चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार की शिकायत पर चुनाव आयोग ईवीएम निर्माता को ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है। कोर्ट ने फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है इनमें एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे छेड़खानी की जा सकती है, इसीलिए जरूरी है कि वीवीपैट की जांच करनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है उसे बैलेट बॉक्स में डालकर मिलान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ये जांच करे, सारे बैलेट पेपर पर हम बार कोड डाल दें तो उसकी मशीन के जरिए गिनती हो सकती है या नहीं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए सभी वोटों का वीवीपैट के साथ मिलान के लिए आग्रह करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, क्योंकि ईवीएम के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जो जवाब आयोग की तरफ से दिए गए हैं उसमें बहुत कुछ साफ नहीं है। ईवीएम पर उठते रहे हैं सवाल। ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे अहम अंग बन गया है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब 2 दशक से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है। ईवीएम में गड़बड़ी या इसके जरिए धांधली से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर कई कोशिशें भी की हैं। आगे हम जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है, इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इन्हें बनाने में कितना खर्च होता है और इनके आने के बाद चुनाव प्रक्रिया कैसे बदली। क्या होती है ईवीएम, मतपत्र से कैसे अलग है? ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। ये मशीन 3 हिस्सों में बनी होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरी बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों मशीनें 5 मीटर लंबी एक तार से जुड़ी होती है। तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट। बैलेटिंग यूनिट वो हिस्सा होता है जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है और बैलेटिंग यूनिट को पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है। ईवीएम से पहले जब बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र के जरिए वोटिंग होती थी तब मतदान अधिकारी मतदाता को कागज का मतपत्र दिया करते थे। फिर मतदाता मतदान कंपार्टमेंट जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मुहर लगा देते थे। फिर इस मतपत्र को मतपेटी में डाल दिया जाता था, लेकिन ईवीएम की व्यवस्था कागज और मुहर का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं, उसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के
आगे लगा नीला बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं। ये वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है। ये यूनिट 2000 वोट दर्ज कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना इसी यूनिट के माध्यम से की जाती है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। अगर उम्मीदवार अधिक हो तो अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिटों को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एक साथ जोड़ी जा सकती है जिससे नोटा के साथ साथ अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम बहुत ही उपयोगी है और ये पेपर बैलेट यानी मत पत्रों की तुलना में सटीक भी होती है क्योंकि इसमें गलत या अस्पष्ट वोट डालने की संभावना खत्म हो जाती है। इससे मतदाताओं को वोट देने में भी आसानी होती है और चुनाव आयोग को गिनने में भी। पहले सही जगह मुहर न लगने के कारण मत खारिज हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता। चुनाव आयोग कहता है कि इसके इस्तेमाल के लिए मतदाताओं को तकनीक का ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है। नरक्षर मतदाताओं के लिए तो इसे और भी ज्यादा सुविधाजनक बताया गया है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल क्या है? ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दल आपत्ति जताते रहे हैं। इन शंकाओं को दूर करने के इरादे से चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था लेकर आया जिसे वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे वीवीपैट भी कहा जाता है। ये ईवीएम से जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है जिसे वोटर ये देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाते ही बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड के लिए वो वीवीपैट मशीन में एक छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजर आती है और फिर सील बंद बक्से में गिर जाती है। वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार साल 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान किया गया था। अब हर चुनाव में वीवीपैट को इस्तेमाल किया जाता है और ये ईवीएम का अभिन्न अंग है। शंकाओं का निदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है कि हर चुनाव क्षेत्र की किसी एक मशीन का रैंडम तरीके से चयन किया जाता है और फिर ईवीएम मशीन के वोटों का मिलान वीवीपैट पर्चियों के वोटों से किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार अगर कहीं पर मशीन में आ रहे वोटों के आंकड़े वीवीपैट की पर्चियों के आंकड़े से अलग होते हैं तो वीवीपैट के आंकड़ों को तरजीह दी जाती है। भारत में कौन सी कंपनियां बनाती है ईवीएम? ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आयात नहीं किया जाता, इन्हें भारत में ही डिजाइन किया जाता है और यही इनका निर्माण होता है। चुनाव आयोग के अनुसार इसके लिए 2 सरकारी कंपनियां अधिकृत हैं। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है और दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आती है। ये दोनों कंपनियां चुनाव आयोग की ओर से बनाई टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी के मार्गदर्शन में काम करती हैं। ईवीएम का आविष्कार और इस्तेमाल। दुनिया के अलग अलग देशों में कई तरह की वोटिंग मशीनें प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि उनका स्वरूप भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम से अलग रहा है। भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम कहा जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार भारत में वोटिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करने का विचार सबसे पहले साल 1977 में सामने आया था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयोग एसएल शकधर ने इन्हें इस्तेमाल करने की बात कही थी। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को ईवीएम डिजाइन और विकसित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। 1979 में ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल विकसित किया गया जिसे 6 अगस्त 1980 में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया। बाद में बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी ईवीएम विकसित करने के लिए चुना गया। पहली बार चुनाव में इस्तेमाल। भारत में चुनावों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल साल 1982 में हुआ था। केरल विधानसभा की पारूर सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम इस्तेमाल की गई लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था। इसके बाद साल 1998 में संसद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में संशोधन किया और चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया। इसके बाद भी इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति साल 1998 में बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों में हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में साल 1999 में 45 सीटों पर हुए चुनाव में भी ईवीएम इस्तेमाल की गई। फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम इस्तेमाल की गई। मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में भी सभी सीटों में मतदान दर्ज करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हुआ।
उसके बाद से हुए हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होती आ रही है। 2004 के आम चुनाव में सभी 543 सदस्य क्षेत्र में मतदान के लिए 10 लाख से ज्यादा ईवीएम इस्तेमाल की गई। ईवीएम के जरिए मतदान में धांधली के आरोप शुरू से ही लगते आ रहे हैं। इस तरह के मामले आयातों में भी पहुंचते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि विभिन्न हाई कोर्ट ने ईवीएम को भरोसेमंद माना है, साथ ही ईवीएम के पक्ष में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ फैसलों को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को खारिज कर दिया। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दोबारा से ईवीएम को लेकर इसी तरह की याचिकाएं देखने को मिलती हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।